हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और हमारे चैनल का नाम है स्किल वी आर नंबर वन। और एक चैनल का नाम है दोस्त चंडी मट्ट। एक चैनल मैं यूट्यूब पे दो टेक्निकल चैनल चलाता हूं और दोनों चैनल पे क्या है दोस्त, एक टेक्निकल इक्विपमेंट पे वीडियो लाता हूं। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है दोस्त कि आज मेरे पास एक कैनन का फोटोकॉपियर मशीन आया है 2206। देखें, ये इसका मॉडल नंबर है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये कहीं से रिपेयर होने गया था तो मैकेनिक क्या कि यहाँ पे एक इसका बाईपास ट्रे होता है। ये देखिए फ्रंट पे, मैं आपको ट्रे दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, इसको खोलने में इसको तोड़ दिए। इसके अंदर एक व्हील होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है और ये क्या है दोस्त, यहाँ पे देखिए अटैच रहता है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे अटैच रहता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से तोड़ दिए। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर कभी भी ऐसा प्रिंटर अगर आपके पास रिपेयरिंग के लिए आता है तो गलती से भी जो ये ट्रे है दोस्त, इसको ना खोले, ये कभी भी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। अगर पेपर फंसा रहा है तो देखिए इसमें क्या है, एक यहाँ पे सेंसर रहता है, मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये जो ट्रे है इसके बीच में कहीं एक सेंसर लगा है दोस्त। अगर वो सेंसर देखें, ये केबल है, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखें, ये सेंसर है ये। अगर ये सेंसर डर्टी हो जाएगा तो पेपर क्या आपको आके यहाँ पे, यहाँ से पेपर लिफ्ट करेगा, लिफ्ट करके पेपर आपको यहाँ पे आके फंसा देगा। तो कभी भी इसको ना खोले दोस्त। ये खोलने पे क्या है, प्रिंटर बहुत दिक्कत करता है, ये मिलता भी नहीं है, इसलिए मैं सोचा कि आपको एक वीडियो दे दूँ। और चलिए मैं मोटा मोटी और सब कैनन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये तो ओपन ही है, ये इसको खोले फ्रंट वाले को, यहाँ से ही खुलता है। यहाँ पे इसका डेवलपर यूनिट रहता है और इसका कार्टेज यहाँ पे। दोनों लगाने के बाद इसको ऑन कर दो, ऑन करने के बाद इसका कवर यहाँ लगा दो, कवर डाल दो। कवर डालने के बाद क्या है, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये इसका लेजर यूनिट है दोस्त, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये लेजर यूनिट है। अगर कभी भी ना इसका फ्रंट में अगर ये डर्टी हो गया, ये देखिए यहाँ पे यूनिट है ये वाला, अगर ये डर्टी हो गया कभी भी तो आपका पेज काला आएगा, तो आप उसको भी क्लीन कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट ऊपर में यहाँ पे हमारा फ्यूजर यूनिट लगा रहता है, अभी तो फिलहाल मैं ट्रे खोला हूँ। ये देखिए फ्यूजर यूनिट कैसा होता है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये कैनन का, ये जो देखिए ये यूनिट है डेवलपिंग यूनिट, ठीक है दोस्त। ये हो गया हमारा ड्रम यूनिट, ठीक है। और इसका फ्यूजर यूनिट फिलहाल अभी कहीं प्रेशर वाला डालने के लिए लेके गया, इसके ऊपर रहता है फ्यूजर यूनिट। इसका टेक्निक क्या है दोस्त कि कभी भी अगर इसमें पेपर है, ठीक है, अगर आप प्रिंट कमांड देते हैं तो क्या करेगा, लॉजिक बोर्ड इसका डाटा को प्रोसेस करेगा। देखिए लॉजिक बोर्ड कौन सा है, ये वाला, ये इसका लॉजिक बोर्ड है दोस्त। ये डाटा को प्रोसेस करके लेजर को कमांड देगा, ठीक है। इतने में क्या करेगा, ड्रम हमारा माइनस 800 डिग्री पे क्या इनर्जाइज हो जाता है, ठीक है। जो ड्रम ओपीसी ड्रम लगा है वो एक तरह से चार्ज हो जाता है दोस्त। चार्ज होने के बाद फ्यूजर भी हमारा गर्म होकर रेडी हो जाता है और लेजर पे क्या करता है, लॉजिक बोर्ड लेजर यूनिट को डाटा ट्रांसफ़र करता है। और लेजर क्या करता है, लेजर लाइट के रूप में ओपीसी ड्रम के ऊपर डाटा को ट्रांसफ़र कर देता है और ड्रम के बाद पेपर यहाँ से लिफ्ट करता है और पेपर के ऊपर ड्रम छापता है और वही यहीं पे हमारा टोनर यूनिट लगा होता है, टोनर डलता है और फ्यूजर में आके मेल्ट होके हमारा पेपर बाहर आ जाता है। इसलिए इसका टेक्निक एक बार समझना जरूरी है दोस्त। अगर आपको टेक्निक समझ में आता है तो क्या है, आप कभी भी प्रिंटर को अच्छा से रिपेयर कर पाएंगे। अब देखिए इसमें मैक्सिमम आने वाले प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले पेपर जाम होता है दोस्त, जैसे पेपर उठाया और यहाँ पे लाके आपको पेपर को जाम कर दिया, यहीं पे करेगा जाम। रोलर भी ठीक है तो इस कंडीशन में आप क्या करें ना, यहाँ से इसको खोलें, यहाँ से इसको खोलने के बाद जो यहाँ पे एक सेंसर है, इस सेंसर को आप साफ़ कर दें, क्लीन कर दें, इसके अंदर वाले सेंसर को क्लीन करने के बाद आपका पेपर उठाना शुरू कर देगा। अगर ये रोलर सही है, ऐसे कभी भी रोलर खराब रहेगा तो आपको नीचे से ही लिफ्ट नहीं करेगा। तो आप क्या करें, इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद आप इस सेंसर को क्लीन कर दें, क्लीन करने के बाद 100% ये मशीन आपका वर्क करेगा। कभी कभी क्या होता है दोस्त, इसके नीचे ही फंस जाता है। तो देखिए एक स्क्रू यहाँ पे है, एक यहाँ पे, यहाँ खोलेंगे तो इसके नीचे भी एक सेंसर, ये देखिए छोटा वाला, ठीक है। तो ये भी कभी कभी दिक्कत करेगा तो आपको प्रॉब्लम कर जाएगा दोस्त। कभी कभी ये ADF यूनिट है ना, ये पेपर को लिफ्ट नहीं, ये हमारा ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, अगर डुप्लेक्स देंगे तो यही हमारे पेपर को फोल्ड करके वापस से वो करता है। तो ये भी खराब रहेगा तो ये पूरा ट्रे ही आता है दोस्त, नहीं तो ये भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ, और ये भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको TR रोलर बोलते हैं, ट्रांसफ़र रोलर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र रोलर। तो ये भी इसका
चेंज होता है। और इसका चेंज होने वाला क्या है दोस्त, लेजर मीटर बहुत रेयर केस में ख़राब होता है। लेजर मीटर अगर ख़राब हो जाएगा तो आपका क्या है, एरर मैसेज देगा मशीन, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे इसका डेवलपिंग यूनिट है। डेवलपिंग यूनिट बोले तो ये देखो, यहाँ पे अभी ये जो हमारा ये जो यूनिट देख रहे हैं आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसके अंदर क्या है, एक मैग्नेटिक रोलर लगा होता है। ये देखिए फ्रंट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये इसको इस तरीके से घुमाता हूँ। अभी तो ये इसका सामान डिमांड है, ये देखिए ये मैग्नेटिक रोलर है। अगर ये भी गलती हो जाएगा या गंदा हो जाएगा तो आपका काला काला पेज प्रिंट देगा। फिर देखिए ये है ड्रम, ये ड्रम भी ख़राब होगा तो आपका पेपर क्वालिटी सही नहीं आएगा दोस्त। और कभी क्या होता है ना, इसी के अंदर बेस्ट इंक टोनर इसके अंदर जमा हो जाता है, वो भी फुल हो जाएगा तो आपका पेपर की क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। तो उसको तो आप इधर से ही निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक टिप है, इसको खोले पूरा बेस्ट बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा एयर मार दें ये ठीक हो जाएगा दोस्त। अगर ड्रम ख़राब है तो ड्रम बदल दें। ड्रम बदलने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे इसको खोलेंगे ना ये बाहर आ जाएगा, ये ड्रम का बाहर निकल जाएगा। और इसको एक ट्यूजर की मदद से इसको बाहर को खींच लें, ये देखें ये जो पिस्टन टाइप का बना हुआ है ना, इसको खींच लें, फिर ड्रम दूसरा लगा दें। और PCR किलिंग ब्लेड भी बदल दें, इकट्ठा तीनों बदलें दोस्त। नहीं तो ये यूनिट ही बहुत सस्ता आता है, पूरा मार्केट में अवेलेबल है, आप नया ले लें, ठीक है। उसके बाद देखें, एक तो लॉजिक बोर्ड में आपको बता ही दिया, ये इसका दोस्त मेन मोटर है, ड्राइव मोटर जिसको बोलते हैं, मेन ड्राइव क्लॉक मोटर यही देता है, जो मेन मोटर है इसका। ये देखें ये मेन मोटर है, और ये भी नीचे वाले का है दोस्त, ठीक है। दो मोटर इसमें लगता है, इसको कंट्रोलिंग करने के लिए देखें ये पावर है, दो पावर कार्ड हैं इसके अंदर, ठीक है, एक वो और एक ये। इसको दोस्त फॉर्मेटर कार्ड बोलते हैं, लॉजिक कार्ड को कोई कोई फॉर्मेटर कार्ड भी बोलता है, कोई पावर कार्ड भी बोलता है। ये दोनों पावर देने के लिए यहाँ से यूज हुआ, ये हमारा पावर का स्विच है। तो बेसिकली इस मशीन का इतना ही फंक्शन है दोस्त, और कुछ नहीं है। अगर इस मशीन में कुछ भी एरर आता है तो आप हमारे चैनल पे अप्रोच कर सकते हैं, मैं हमेशा से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो लाता हूँ, और कोई भी चार्जेज नहीं करता हूँ दोस्त। तो जो भी अगर आप कभी भी कैनन में कोई दिक्कत आता है तो आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।